नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। अभी तक ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको कई खबरें दिखाई, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और यहां तक के जीएसटी अधिकारी ट्रक ऑपरेटरों से, ड्राइवरों से लूट करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, हरासमेंट होती है। आपने ये भी देखा एक खबर के अंदर कि किस तरह नेपाल के अंदर एक गाड़ी गई और 13 दिन तक उसे कंपनी द्वारा अनलोड नहीं किया गया और कैसे वो टायर गिरवी रखकर खाना खाने को मजबूर हुआ। आज हम आपको एक नई तरह की एक्सट्रॉशन बताते हैं, नई तरह की लूट का किस्सा बताते हैं। हमारे राजस्थान से कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें वीडियो भेजे। पहले भी कई बार उन्होंने बात उठाई कि जो राजस्थान के अंदर सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, राजस्थान के अंदर पाली और सिरोही के अंदर तीन फैक्ट्रीज हैं मेनली, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बांगर सीमेंट और श्री सीमेंट, इनकी फैक्ट्रीज है वहाँ पर। और इनका हाल लगभग सेम है जो हमारे व्यूअर्स का कहना है। उनकी दो तीन परेशानियाँ इन कंपनीज के अंदर, जबकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो ट्रक ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, जाने से कतराते हैं। पहली तो यहाँ दिक्कत ये है कि जब वो माल लेने जाते हैं, एंट्री गेट पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए ट्रक एक या दो हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप वेट कीजिए, जब 10-15 ट्रक होंगे तब हम एंट्री करेंगे। तो तब तक आप वेट कीजिए, 10-15 ट्रक इकट्ठे हो गए, लाइन लग गई, उसके बाद उनका वहाँ पर जो भी क्लर्क है या गार्ड है, जो भी है, तो वो एंट्री करता है। उसके बाद गाड़ियाँ अंदर चली जाती हैं प्लांट के अंदर लोडिंग के लिए, और वहीं शुरू होता है इनकी हरासमेंट और टॉर्चर। वहाँ पर क्या होता है कि 5 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन तक वहाँ पर प्लांट के अंदर ही ऑपरेटर्स का कहना है कि उनका लग जाता है। वहाँ पर फिर जो इनके कर्मचारी हैं वो इनको कहते हैं कि अगर आपको जल्दी नंबर लगवाना है तो आपको 200, 500, 700 हमें देना पड़ेगा, तभी आपका जल्दी नंबर आएगा। अगर नहीं देते हैं तो आप पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हरासमेंट का एक किस्सा हमारे व्यूअर ने सुनाया कि हम 2 दिन प्लांट के अंदर सो भी नहीं सके, माल भी नहीं मिला और सो भी नहीं सके। सो इसलिए नहीं सके क्योंकि वहाँ पर जो सुपरवाइज़र था उसका कहना था कि अगर आप सो गए और उधर से आपका नंबर आ गया तो मिस हो जाएगा और आपको 1-1.5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, फिर हमें मत बोलिएगा। तो उनका कहना था कि नंबर के चक्कर में हम रात को भी नहीं सो पाते और दिन को भी नहीं सो पाते, कभी गाड़ी आगे करो, पीछे करो, ये चलता रहता है। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर इस तरह की हरासमेंट बहुत ही शॉकिंग है। मैनेजमेंट को इसकी खबर नहीं है या उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो काफ़ी ये हैरानी की बात है। बांगर सीमेंट का और जेके और श्री, तीनों का ही लगभग उन्होंने कहा कि सेम जैसा ही हाल है। उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है? वो 400 दे जोड़े 100 इना दे मोए मांगते बेटा 400 रुपए ने अंदर नले दे क्या नले दे साहब जी जाना करो साहब जी ओ साहब जाना जाना पैसा है ही नहीं हमारे पास वो तो मेरे को पता वो तो मेरे को पता है लेकिन क्या दे रहे भाई है गाड़ी खड़ी है दे रहे अब तो रियल दे दो ये लो रख लो भाई आप और क्या। उनका कहना है कि 500 रुपये दे के उनका छुटकारा हुआ इसके अंदर। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत ही बुरा व्यवहार भी करते हैं वहाँ की जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है। मान लीजिए कोई नया ऑपरेटर गया है और उसको नहीं पता कोई कागज़ कम या ज़्यादा है लगा दिया, तो बताएंगे नहीं, सीधी फाइल उठा कर फेंकेंगे। मतलब इस तरह का एरोगेंट एटीट्यूड होता है, जैसे आप वहाँ पर काम नहीं, भीख मांगने जा रहे हैं, जबकि ये उनके कस्टमर है, ये वहाँ उनका सीमेंट लेने जा रहे हैं, तो उनके एक तरीके से ग्राहक है और इनकी अच्छी देखभाल वहाँ होनी चाहिए। अगर पहली बार तो टाइम लगने का कोई पॉइंट नहीं है, अगर टाइम लगता है तो उनका कोई रेस्ट रूम बनाएं, वहाँ चाय कॉफ़ी उनको पिलाएं, कुछ खाने का दें, अगर टाइम लगता है तो उनकी गलती है। कहीं भी हम जाते हैं एज अ कस्टमर, अगर कार की सर्विस कराने जाते हैं तो कस्टमर का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है, तो लेकिन या तो वो उसको गरीब समझा जाता है या उनको लगता है कि ये नहीं तो कोई और सही, इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता। हमने कोशिश की इन तीनों फैक्ट्रीज़ के अंदर हमारी टीम ने कॉल करके उनसे बात करने की, आके उनको बोला जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। बांगर और श्री सीमेंट में हमारी बात नहीं हो सकी, उनका नंबर नहीं मिला,
लेकिन जेके लक्ष्मी हमारी बात हुई, वहाँ पर हेड लॉजिस्टिक हैं जो इस सारा काम धाम देखते हैं ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग का, अविनाश जी हैं वहाँ पर, तो उनसे हमारी बात हुई। तो खैर ये तो क्लियर था कि उन्होंने माना नहीं है बात कि ऐसा कुछ होता है उनकी फैक्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 घंटे तक का, खैर वो मान गए कि 8 से 10 घंटे हो जाता है। कई बार अगर मान लीजिए ट्रक ज़्यादा हो गए और प्रोडक्शन कम है तो फिर उनको वेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ बोल रहे हैं कि साथ ही साथ हो जाता है और करप्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो मेरे साथ संपर्क कर सकता है। अविनाश जी हैं वहाँ पर लॉजिस्टिक मैनेजर जेके लक्ष्मी सीमेंट के अंदर। लेकिन हमने उन्होंने पूछा हमसे कि आप अपने व्यूअर्स का नंबर बता दीजिए, तो हमने कहा कि ये तो गलत हो जाएगा, वो तो बेचारे पहले ही डर रहे हैं, कि वो मालिक से भी डर रहे हैं। उसमें से एक दो ड्राइवर हैं जिन्होंने हमें ये बात बताई, उनका कहना ये था, हमने उनको बोला कि आप अपने मालिक को क्यों नहीं बताते हैं कि भाई वहाँ पर ऐसी हरासमेंट होती है, तो बोले कई बार हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। मालिक कहता है कि चलो खड़े रहो, फिर क्या कर सकते हैं, तो बोले खुद अंदर चले जाते हैं तो अंदर तो कुछ खाने का भी नहीं है, बाहर भी नहीं आ सकते, अंदर कुछ खाने पीने को नहीं है, सोने को नहीं है, तो हम फंस जाते हैं। तो कई बार अपनी जेब से 200-500 रुपए देकर अपनी जान छुड़वाते हैं, गालियां अलग से सुनते हैं। तो ये कंपनीज अगर सुन रहे हमारी बात, बांगर सीमेंट, जेके लक्ष्मी या कोई भी है, सरकारी तंत्र तो हम मानते हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है और आम इंसान की कोई औकात नहीं उनके सामने, लेकिन कम से कम प्राइवेट सेक्टर से ऐसी उम्मीद नहीं की जाए, वो भी अच्छे बिग कॉरपोरेट, कोई छोटी कंपनी नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, बिग कॉरपोरेट हैं, तो उनको कम से दे अंडरस्टैंड, उनको पता है कि कस्टमर की वैल्यू क्या होती है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो, अगर मैनेजमेंट को इसके बारे में पता नहीं है तो चेक करें कि उनके नीचे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है, किस तरीके से उनके जो कस्टमर हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, वो किस तरह से हरास हो रहे हैं। कई और समस्याओं की तरह इस समस्या का भी सलूशन ये हो सकता है कि जो भी वहाँ पर लोकल संस्थाएँ हैं वो अगर मिलकर वहाँ पर जो एसोसिएशन की तरफ से एक डेलीगेशन जाके इन प्लांट्स का एक दौरा कर ले, वहाँ पर हायर मैनेजमेंट को जाके मिले, तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। कई बार हम कोशिश ही नहीं करते हैं या हम सोचते हैं कि हर चीज़ में सरकार ही हमारी मदद करेगी, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और आसानी से मुझे नहीं लगता कोई भी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सीनियर अधिकारी हैं, वो चाहेंगे कि निचले लेवल पर ऐसे करप्शन उनके प्लांट में होती रहे। तो चाहिए जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाली सिरोही राजस्थान के अंदर ये जगह है, तो वहाँ पर इनको मिले प्लांट में जाकर, ज़रूर आई थिंक कुछ ना कुछ इसका सलूशन होना चाहिए। हम भी ट्रांसपोर्ट टीवी पर कोशिश करेंगे कि जिनसे हमारी बात नहीं हुई है दो प्लांट्स के अंदर, वहाँ हम बात करें। तो ट्रांसपोर्ट जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी, फेसबुक पर भी आप ट्रांसपोर्ट टीवी अवेलेबल है, हमारा पेज वहाँ पर जाके ज़रूर लाइक करें। और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।